पूजा, तेरा करण तुझे मिल गया है ना? Oh, really, पूजा, I'm so happy for you. अच्छा ये बता, जब तू उसे पहली बार मिली होगी तो खुद को रोक नहीं पा रही होगी, लेकिन तुझे मेरे वादे ने रोक लिया होगा. नीता, ऐसा कुछ नहीं हुआ. क्या मतलब? मैं वहाँ गई थी मगर वो मुझे नहीं मिला. वहाँ मैंने उसे काफी ढूंढा, लेकिन फिर तू उसे अब कैसे ढूंढेगी? मैंने अपनी बचपन की कहानी लिखी है, मैं इसे मैगजीन में जाकर छपाऊंगी. वो ये कहानी पढ़कर जरूर आएगा. अरे पागल हो गई है? तुझे पता है आजकल के जमाने में 10% लोग भी मैगजीन नहीं पढ़ते. मैं 10% चांस भी नहीं मिस करूंगी. ओ जी, तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारी कहानी जरा हटके है. यस सर. वो तुमसे पहले भी दो राइटर यही कह रहे थे, वो पढ़ने के बाद कहानी से ज्यादा वो हटके लगे. सर, ये कहानी आम कहानियों की तरह नहीं है. इसमें मेरी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई एक रियल लव स्टोरी है. इसमें मेरा सच्चा प्यार है सर. अच्छा अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो क्या? ये एपिसोड 1 का टेप. दूसरों का प्यार झूठा है और तुम्हारा प्यार सच्चा है, है? दूसरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, बस अपने बारे में कह सकती हूँ कि मेरा प्यार सच्चा है. कहाँ से आई हैं आप? जी बचपन से अब्रॉड में थी, कुछ दिन पहले आई हूँ. यानी अब्रॉड की लव स्टोरी इंडिया पे चिपकाना चाह रही हैं? थैंक यू सर. नहीं सर, कहानी इंडिया की है. अच्छा, कहानी इंडिया की है. आप बचपन से अब्रॉड में हैं, तो आपने अब्रॉड में अपना दिमाग का इलाज नहीं करवाया? आपका मतलब है मेरा दिमाग खराब है? हाँ, और अब आप मेरा दिमाग खराब करने पर तुली हुई है. देखिए, आप मुझे गुस्सा मत दिलवाइए. गुस्सा आता है, मेरा प्रेशर बढ़ता है, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, और उसका जो खर्चा है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा. सर प्लीज, मेरे लिए इस कहानी का छपना बहुत जरूरी है. ओहो, जाइए जी जाइए, मुझे और भी काम है. बात है, आप रो क्यों रही हैं? समझता क्या है वो अपने आप को? एडिटर है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कहानी को बकवास बोले. कहता है मेरा दिमाग खराब है. दिमाग तो उसका खराब है जो मेरी कहानी को बकवास बोलता है. ठीक है, मत छापे, मगर मेरी कहानी को बकवास बोलने का उसे कोई हक नहीं है. उसे क्या पता कि ये कहानी मेरा सब कुछ है, मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है. लाइए अपनी ये जिंदगी मेरे हवाले कर दीजिए. घबराइए नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगी. लेट्स गो. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. ओए ओए, तू इतने की कर रही, शूटिंग में नहीं गई? अभी नहीं सर. सर, आपको अपनी मैगजीन के लिए एक रोमांटिक कहानी की जरूरत है ना? ओहो, उसी कहानी की वजह से तो मेरे मैगजीन का प्रिंटिंग रुका पड़ा है यार. कमाल कर दिया सर. मैंने भी एक कहानी लिखी है. ओए, तू तूने लिखी है? जी हाँ, पसंद आए तो छपवा दीजिएगा. अच्छा यार, उसके लिए तो पढ़नी पड़ेगी. एक मिनट यार, देख लें यार, इमरजेंसी है. तुम्हारी कहानी बहुत पसंद आई. थैंक यू सीमा, तुम नहीं जानती तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है.
कमान यार, दोस्ती में कैसा एहसान। चलो एडिटर साहब बुला रहे हैं। ओ पुत्र, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। ओ बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है, पर यार अधूरी है, वो क्लाइमैक्स क्यों नहीं लिखा है? सर क्लाइमैक्स अधूरा है। ओ यार, पर क्लाइमैक्स ना हो तो कहानी भी तो अधूरी रह जाती है ना। सर ये कहानी आपके मैगजीन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अच्छा, वो कैसे? सर आई एम श्योर ऑडियंसेस को ये कहानी बहुत पसंद आएगी और उन्हें इसके क्लाइमैक्स का बेचैनी से इंतजार रहेगा। और जब आप नेक्स्ट एडिशन में इसका क्लाइमैक्स छापेंगे तो देखना ऑडियंसेस आपकी मैगजीन लेने के लिए टूट पड़ेगी। सच? सर आइडिया बुरा नहीं है। अच्छा, ओ यार गुडनेस एंड आसकास नेकी और पूछ वो मैं अभी छाप देना इसे। सबके लेटर्स आ रहे हैं मगर तुम्हारा नहीं आया। कब पढ़ोगे तुम कहानी? एक्सक्यूज मी। यस सर, आपके पास P9 की मैगजीन है? हाँ जी है। ये दिस। भैया ये मैंने अपने पढ़ने के लिए मंगाया था। ओहो, मैं तो ये देख रहा था कि जिस कहानी को पढ़ने के लिए तू इतनी बेचैन हो रही थी उसमें ऐसा है क्या? तो पहले मुझे पढ़ने दो ना, फिर मैं आपको दे दूंगी। ओके, फिर आप आराम से पढ़ते रहना। ओके। कहाँ थे आप भैया? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। देखो ना भैया, कोई मेरी कहानी नहीं सुनता। आप सुन लो। आओ ना भैया, आओ ना भैया, कम 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 बैठो। और जब तक मैं ना कहूँ ना, अब प्लीज यहाँ से हिलेगा नहीं। हाँ, मेरी पूरी कहानी सुन लो। हाँ ओके। कहानी का टाइटल है जीना सिर्फ मेरे। ये वादा बचपन में पिंकी ने करण से किया था और करण ने पिंकी से। What a coincidence, आपका भी नाम करण है। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत हिल स्टेशन से, जहाँ पर पिंकी अपने डैडी के साथ हर साल स्कूल की छुट्टियां मनाने आती है। वहां उसकी मुलाकात करण से होती है और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर क्या, धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। पिंकी के जाने के बाद करण का तो बस एक ही काम रहता, पिंकी का इंतजार कर। कहानी का क्लाइमैक्स तभी पूरा होगा जब ये दोनों मिलेंगे। आप भगवान से प्रार्थना करना भैया कि ये दोनों मिल जाए।